हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। थ्योरम है हमारे पास, लेट यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई बी अ नॉन होमोजीनियस वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद कॉन्स्टेंट ए एंड लेमडा। एफ एक्स इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल आई जो कि ए टू बी। के एक्स जाई इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन द रेक्टेंगल आर जो है आई क्रॉस आई, जो कि इस तरह से डिफाइन है एक्स जाई बराबर ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स और जाई जो है लेस ए मतलब ए और एक्स और जाई जो है दोनों लेस देन इक्वल टू यानी ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं एंड के एक्स जाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एम एन आर। देन द गिवन इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन कॉन्टिन्यूस सोल्यूशन यू एक्स एन आई एंड द सोल्यूशन इज गिवन बाई द एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज, इस सीरीज की हेल्प से दिया जाता है। तो इसके सॉल्व करने के फ्रेंड्स दो मेथड है। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो पहले मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो हमारे पास यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी ऑफ डी टी। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ यू टी फ्रेम फ्रॉम वन। अगर इससे हम यू टी की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो ये क्या जाएगा, एफ जो है वो टी की जगह जाएगा प्लस लैम्डा ए टू इंटीग्रल जो है वो एक्स एक्स जगह टी रिप्लेस हो जाएगा टी। अब इस एक्स को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं और इस टी को क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है तो इसको हम अलग से वेरिएबल से टी वन से डिनोट कर दिया एंड यू टी वन डी टी वन ऑफ डी टी। तो ये हो गया। अब ये हो गया तो फ्रेंड्स हमारे पास ये हो गया एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी, यानी कि इसका जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस टर्म का मल्टीप्लाई जब अंदर वाले टर्म से होगा तो लेमडा लेमडा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन ए टू एक्स और ए टू टी के एक्स टी के टी एन टी वन यू टी वन डी टी वन डी टी। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से फिर से हमने ये हो गया हमारे पास यू एक्स। अब यू एक्स ये है, फिर से हमने इसको एज ए यू टी अगर लें और फिर से हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ए टू एक्स ए टू टी के एक्स टी के टी टी वन एफ टी वन डी टी वन डी टी एंड लेमडा क्यू ए एक्स ए टू टी एंड ए टू टी वन के एक्स टी के टी टू टी वन के टी एन टी टू यू टी टू डी टी वन एंड डी टी। तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसको हम एंथ टाइम तक जब हम रिप्लेस करते जाएंगे एंथ टाइम तक इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आ जाएगी हमारे पास यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी। और एंथ टर्म क्या आएगी अगर यहाँ पर हम देखें तो थर्ड टर्म क्या थी, इसमें लेमडा की पावर क्यूब थी तो एंथ टर्म में लेमडा की पावर एन आएगी और ए टू टी ए टू टी वन तो यहाँ से ए टू टी बेसिकली थ्री तो थ्री था तो एन माइनस टू तक चला था वन तक यानी तो ये एन माइनस टू तक। इसी तरह के एक्स टी के टी टी वन के टी एन माइनस टू एन माइनस वन और एफ टी एन माइनस वन और ये आ गया। और जो ये आर एन प्लस वन एक्स ये हमारे पास जो लास्ट इसकी जो एन टेंस टू एन की और वैल्यू जाएंगे तो ये टर्म हमारे पास आएगी वेर आर एन प्लस वन एक्स जो है वो नेक्स्ट टर्म है उसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं लेमडा एन प्लस वन ए टू एक्स और सिंपली जैसे कि जो एन टर्म थी उसी तरह से एन प्लस वन टर्म है। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, अब हमने इसको इनफाइनाइट सीरीज कंसीडर कर लिया क्योंकि ये सीरीज जो है इसको एफ एक्स बराबर लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर इस तरह से। अब यहाँ पे जो टर्म हम कर रहे हैं नेगलेटिंग द फर्स्ट टर्म को नेगलेट कर रहे हैं लेट वी एन एक्स डिनोट द एंथ टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, यानी इस टर्म की कोई एंथ टर्म है यहाँ पे जैसे सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है ये फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है यानी वी एन एक्स जो है वी वन जो है फर्स्ट टर्म को वी टू इस तरह से उसको डिनोट कर रहा है। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ओवर आई सो इट इज बाउंडेड, चूंकि एफ एक्स जो है हमारे पास गिवन था हमारे पास जो कि क्वेश्चन में कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है ये गिवन था
तो यहाँ पे चूंकि बाउंडेड है ये आई जो है ए टू बी में बाउंडेड है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स भी बाउंडेड होगा। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो गया। एंड ऑल्सो गिवन हमारे पास और क्या था कि के एक्स टी लेस देन इक्वल टू एम एन आर, जो ये भी हमारे पास गिवन था। तो देयर फोर यहाँ से हम कह सकते हैं वी एन एक्स की, अगर एन टर्म की बात करें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा एन, बेसिकली मोड लगा रहे तो मोड लेमडा एन ए टू एक्स और इस तरह से इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास एम एन, बेसिकली के एक्स टी जो है के एक्स टी वन के एक्स टी टू, क्योंकि ये हमारे पास एम से बाउंडेड है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है एम टू द पावर एन, तो इसीलिए क्योंकि एंथ टाइम है तो ये एम टू द पावर एन, ये हो गया डॉट एन डी टी एन माइनस वन डॉट डॉट डी टी वन डी टू। तो ये हमारे पास इस तरह से वी एन एक्स जो है इस टर्म से लेस देन होगा। अगर फ्रेंड किसी को ये डाउट हो कि एन कहाँ से आया, तो एन जो आया था वो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि एफ एन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है। तो यहाँ से अब बेसिकली जो इसमें एफ टी वन का मल्टीप्लाई एन टर्म में जो था, तो उसी की वजह से ये हमारे पास एन लेस देन इस टर्म क्या है, तो ये हो गया वी एन एक्स लेस देन मोड ऑफ लैम्डा एन एम एन एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हमारे पास बेसिकली फ्रेंड्स ये टर्म जो है वो, क्योंकि ये सारे टर्म कॉन्स्टेंट हो चुके हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो हाईएस्ट टर्म क्या होगी एक्स माइनस ए, इसी तरह से यहाँ पे भी टी माइनस ए, और बेसिकली ये हमारे पास जो रिप्लेस किए थे, तो इंटीग्रेशन करेंगे जब जब हम एन माइनस वन के करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी टी एन माइनस टू माइनस ए, और फिर अगले नेक्स्ट टर्म में फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस टर्म तरह से चलते हुए इंटीग्रेशन की जो फाइनल फॉर्म आएगी एक्स माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू, अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है बी, तो ये हो गया लैम्डा टू द पावर एन एम टू द पावर एन बी बी माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से द सीरीज हुज एन टर्म इज मोड लैम्डा टू द पावर एन एम एन एन बी माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड इज कन्वर्जेंट बाई रेशियो टेस्ट। अगर रेशियो टेस्ट से हम इसको चेक करेंगे तो ये सीरीज जो फ्रेंड्स हमारे पास कन्वर्जेंट निकलेगी, आप चेक कर सकते हो इसको रेशियो टेस्ट से। दस बाय तो यहाँ से जो वाई टेस्ट एम टेस्ट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वहाँ से हम कह सकते हैं द सीरीज जो है वी एन एक्स जो है वी एन एक्स जो सीरीज थी वो एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है आई में। अब फ्रेंड्स यू एक्स की जो टर्म थी हमारे पास यहाँ से यू एक्स गिवन बाई टू, ये टर्म अगर कॉन्टिन्यूस है, बेसिकली हम यहाँ पे ये इसी टर्म की बात करें फर्स्ट टर्म की, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगी। अब कॉन्टिन्यूस क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है ए टू बी जो कि हम स्टैटिक से बात कर रहे हैं, तो वो डिफाइन भी होगी, तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं यू एक्स जो होगा मोर लेस देन ऑफ यू फॉर ऑल एक्स एंड आई, देन उस कंडीशन में हमारे पास आर एन एक्स यानी आर एन प्लस वन एक्स, बेसिकली जो ये टर्म थी हमारे पास इसकी बात करते हैं, तो ये टर्म की बात करते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा एन प्लस वन एम एन प्लस वन यू एक्स माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाए, तो चूंकि ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है, ये टर्म बी माइनस ए टू पावर एन प्लस वन, ये टर्म जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बी माइनस ए कोई एक इंटीजर इंटीजर होगा, और ये टर्म जो है ये है हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये टर्म अगर हम चेक करेंगे सीरीज लिमिट की टर्म्स में, तो ये जो है हमारे पास इन्फिनिटी पे जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन प्लस वन जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो सीरीज है वो ओपन कर सकते हैं यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमड़ा ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी, और इस तरह से प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक ये सीरीज चलती जाएगी, विच इज जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर आगे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर वेरीफाई करना चाहें तो। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ये देखेंगे।